दोस्तों, आज तक बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि यह जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचती रहती है, उनको मारने पीटने, उनके खिलाफ दंगा करने का उनके ऊपर आज तक आरोप लगता रहा है। और कहा जाता है कि वह मुसलमानों से नफरत करती है, उनको गद्दार साबित करना चाहती है। परंतु दोस्तों, एक बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं जो कांग्रेस के हैं, मणिशंकर अय्यर, वह पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान हमारा समर्थन करे। तो आखिरकार इस वक्तव्य का मतलब क्या होता है? क्या मणिशंकर अय्यर इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही या गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं? यह सोचना जो है मुसलमानों का काम है इस देश के, कि क्या मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से समर्थन मांगकर क्या इस देश के मुसलमानों को गद्दार या देशद्रोही साबित करने में नहीं लगे हुए हैं और हमारे मुस्लिम भाई चुप हैं? चूंकि ये सर्वविदित है कि अगर मोदी को हराने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कांग्रेस पाकिस्तान से मदद मांग रही है, तो अप्रोक्स रूप से यह लोग हिंदुस्तान के किस कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, किस कम्युनिटी को एक गद्दार साबित करना चाहते हैं, यह सब अच्छी तरह जानते हैं। परंतु वह लोग जो जिनको ये गद्दार साबित करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को इस देश में रंगैया आने में आपत्ति नहीं थी, वो कहते थे कि इनको आने देना चाहिए। परंतु मोदी जी जब चीनी आयात करते हैं तो वह लोग चिल्लाते हैं कि यह चीनी पाकिस्तान से कैसे आयात कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपकी प्राकृतिक संपदा को प्रभावित करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपकी इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, उनके आने पर लोगों को आपत्ति नहीं है। परंतु चीनी आयात की जाए ताकि इस देश की जनता को ठीक ठाक रेट में चीनी प्राप्त हो, उस पर आपत्ति हो जाती है। कमाल के दोगुनापन लगता है। और चीनी जो है आयात की जा रही है, तो चीनी पाकिस्तान मुफ्त में नहीं देगा, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उसको अपने हिसाब से अपने रेट से देगा, क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो अपने हिसाब से देता है। कोई भी देश हो, अपने हिसाब से अपनी चीज़ का मूल्य लगा करके वो दूसरे देश को देता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि इस देश को रिक्वायरमेंट है, तो अपनी शर्तों पर वो चीज़ें दी जाती है। परंतु इस देश के महामूर्ख लोग रंगैयाओं के लिए पेट पीटते हैं कि इनको आने दीजिए, परंतु चीनी के आयात का विरोध करते हैं। अजीब दोगलापन है। तो क्या यह न माना जाए कि इस देश के जो कांग्रेसी हैं, वह शुरू से ही 1947 से ही इस देश के मुसलमानों को गद्दार और देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं? और ऐसा अभी से नहीं, 1947 से ऐसा हो रहा है। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों, इस देश का हिंदू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कलाम या अब्दुल हमीद से नफरत नहीं करता, उसको सिर पर और अपने दिल में रखता है। हाँ, अफजल गुरु और कसाब को जरूर अपनी ठोकरों में रखना चाहता है, वह उनसे नफरत करता है। थैंक यू एंड बाय बाय।